जल्दी जल्दी बैठ जाओ रे, अब फालतू चीजों पे लड़ते हो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चाहिए तुम लोगों को फायदे में। शरद को तो ठंडी नहीं लग रही जब से स्विट्जरलैंड से आया है। हाँ तो किधर से किधर गया था तू? ओके मलेशिया। वही ना, कब से ठंडी नहीं लगती उसको। अलग ही नौटंकी है यार। चलो स्लो पॉइंट फॉर्म क्या देखा था? स्लो पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। लिस्ट कर रहे हैं अपन तीनों फॉर्म्स जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। देन सेकंड इज टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, व्हाट वाज टू पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। उसके बाद हमने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये इंटरसेप्ट कौन सा इंटरसेप्ट होता है? x या y? y इंटरसेप्ट होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? वो y is equal to mx plus c। ओके, फोर्थ इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ व्हाट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? जैसे कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये लाइन है। ओके, ये जो लाइन है वो x एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रहा है और y एक्सिस को b पॉइंट पे कट कर रहा है, मान के चलो। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कौन से मिल गए हमें? x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ओके, सो वी हैव टू इंटरसेप्ट्स एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज दीज टू इंटरसेप्ट्स एंड देयरफॉर इट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। So what is double intercept form? X upon A plus Y upon B is equal to 1, where A is X intercept, हाँ जल्दी आ जाओ, B is Y intercept, A is what? X intercept, and B is what? Y intercept, ठीक है? So double intercept form is x upon a plus y upon b is equal to 1. So note on fast. Fourth form भी है, fifth form भी है, but वो ज़्यादा useful नहीं है तुम्हारे लिए, but उन्होंने दिया हुआ है list करके, तो अपन लिख लेंगे उसको। चलो लिखो जल्दी जल्दी। Done? Noted down? Yes, fourth form noted down, everyone. Now, fifth is normal form. Now, what is normal form? This is y-axis, this is x-axis, this is your required line. Or origin say, यहां पे जा रहा है परपेंडिकुलर, विच इज नॉर्मल, और उस परपेंडिकुलर का लेंथ है P. उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है? P. एंड दैट परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन कौन सा है अपना? दिस वन, वो ब्लैक वाला जो लाइन ड्रॉ किया है ना मैंने, वो अपना लाइन है। हम उसका इक्वेशन ढूंढ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्मल। सो व्हाट इज दैट इक्वेशन? एक्स
cos alpha plus y sine alpha is equal to p. This is the equation of this line L. Line L ka equation hai wo. Kaun sa? X cos alpha plus y sine alpha is equal to p. Where p is what? P is length of perpendicular. Okay. So p is length of perpendicular, or you can say length of normal. Length of perpendicular, or you can say length of normal. Okay. Alpha is angle made by normal. Chalo, note down. Fifth form, normal form. Bas. Usme se bhi normal form zyada lagta nahi. Zyada matlab lagta hi nahi. नॉर्मल मतलब जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज नॉर्मल. जो एल ब्लैक कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा रिक्वायर्ड लाइन है. Over. Done. Yes, everyone. चले आ गए. Okay. चलो. Okay. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन, पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ढूंढना है. इक्वेशन ऑफ लाइन हमें ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर वन. और उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, लाइन के लाइन का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, वो लाइन कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका, at a distance of 5 units from it, above it. Okay, at a distance 5 units above it. Okay, so ye information line ka diya hua hai. So what we will do, this is your y axis, this is your x axis. लाइन कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, ऊपर है. क्या दिया उन्होंने, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 units अबव इट. अबव इट मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर. एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब कहां पे, यहां. कितने डिस्टेंस पे है ये, 5 units, 5 unit डिस्टेंस पे है. ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखो, when, ये हमें एक्चुअली स्कूल में भी था, when line is parallel to x-axis, उसका equation y equal to something होता है, and when line is parallel to y-axis, उसका equation x equal to something होता है. Okay, so what you have, when line is parallel to x-axis, उसका equation कैसे होगा, y equal to something, and when line is parallel to y-axis, उसका equation कैसे होगा, x equal to something. अभी हमारा equation, अभी हमारा line parallel to what, parallel to which axis, parallel to x-axis, तो उसका equation कैसे होगा, y equal to something. So y equal to क्या आएगा, कितना distance है वो, कौन से side में, positive या negative, positive side में, ऊपर वाले side में, मतलब positive side में. तो इसका equation कैसे बन गया, y equal to. So when line is parallel to x-axis, उसका equation कैसे होगा, y equal to something. When line is parallel to y-axis, उसका equation कैसे होगा, x equal to something. तो अभी अपना line किसको parallel है, x-axis को parallel है, इसलिए उसका equation कैसे format में बन गया, y equal to. कितना distance है वो,
5 यूनिट का डिस्टेंस है, इसलिए इक्वल टू 5। यही अगर बिलो एक्स एक्सिस होता तो माइनस 5, वाई इक्वल टू माइनस 5। अंडरस्टूड? बोला नहीं कि ऊपर है, दिया है ना, अबव इट, फ्रॉम इट एंड अबव इट। चलो नोट डाउन फास्ट, डायग्राम, हाँ डायग्राम ड्रॉ करना है क्वेश्चंस, यस डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा आंसर? पैरेलल टू, हाँ दैट्स इट, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एट एक्स माइनस 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड लेफ्ट ऑफ इट। ट्राई टू फ्रेम द डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। करेक्ट, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, वाई के लेफ्ट में, वाई के राइट में, बट उन्होंने लेफ्ट का बोला हुआ है। आया आंसर सबका? डायग्राम ड्रॉ किया? देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उन्होंने पैरेलल टू क्या बोला है? पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला है, और कौन से साइड में जाना है हमें? लेफ्ट में जाना है, तो हम कहां पे जाएंगे? लेफ्ट में, मतलब वाई एक्सिस के इस साइड में। कितने डिस्टेंस पे है वो? 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, सो दिस इज हाउ मच, 5 यूनिट्स। तो मैंने क्या बोला था, व्हेन इट इज पैरेलल टू आई एक्सिस, उसका इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगा? एक्स इक्वल टू के फॉर्मेट। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू आई एक्सिस, उसका इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में होगा? एक्स इक्वल टू समथिंग। कौन से साइड में है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव एक्स, सो इट्स माइनस 5। Next, parallel to x-axis, and at a distance of 4 units from -2, 3। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में होगा? वाई इक्वल टू या एक्स इक्वल टू? वाई इक्वल। चलो अब उस पॉइंट से -2, 3 के ऊपर 4 यूनिट्स जा सकते हो, नीचे 4 यूनिट्स जा सकते हो, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो 4 यूनिट्स ऊपर है या नीचे है, सबसे पहली बात।
कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बाय द वे? माइनस टू कॉमा थ्री, एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव, एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव, है ना? मतलब थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं अपन इसको. ऐसे होता है अपना ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री, हियर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री. माइनस टू कॉमा थ्री मतलब हियर, सही है? माइनस टू कॉमा थ्री मतलब वहां पे. तो ये लाइन ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है? ये आएगा फोर, ये आएगा फाइव, ये आएगा सिक्स. फोर यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट और पैरेलल टू क्या है? एक्स एक्सिस. मतलब मे बी यहां पे वो लाइन हो सकता है, यहां पे वो लाइन हो सकता है, या फिर यहां पे हो सकता है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना. पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इस पॉइंट के ऊपर चार यूनिट्स है और इस पॉइंट के नीचे चार यूनिट्स है, ठीक है? और पैरेलल टू कैसा है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है. तो हम माइनस टू कॉमा थ्री के ऊपर अगर चार यूनिट शिफ्ट हो गए, ये कौन सा है? थ्री है, उसके ऊपर चार यूनिट्स, मतलब कहां पे जाएगा ये पॉइंट? सेवन तक जाएगा. चार यूनिट्स जा रहा है ना, थ्री यहां पे है, उसके ऊपर चार यूनिट्स, मतलब यहां पे आया सेवन, है ना? तो मे बी ये सेवन पे हो सकता है, या फिर नीचे भी तो चार यूनिट्स आ सकता है. तो नीचे चार यूनिट्स मतलब ये थ्री है, इसके नीचे तीन यूनिट्स मतलब जीरो आ गया, और एक यूनिट मतलब क्या आ गया? माइनस वन. चार यूनिट्स बोला है उन्होंने, यहाँ पे थ्री था, इसके नीचे चार यूनिट्स, तीन यूनिट्स मतलब जीरो और एक मतलब माइनस वन. तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो हमारा लाइन सेवन पे होगा या फिर माइनस वन पे होगा. सो दिस इज वाई इक्वल टू सेवन, दिस इज y equal to minus. Understood? So we have y equal to 7 or y equal to 1. Okay. Diagram draw karo acche se. अबव एंड बिलो कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए हमने दोनों कंडीशंस लिए, अबव वाला कंडीशन भी लिया और बिलो वाला कंडीशन. ओवर. यस. अब आ गया है, ठीक है? अब क्या है सेकंड क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर टू. पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ थ्री यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ थ्री यूनिट ऑफ वाई एक्सिस. पॉजिटिव थ्री यूनिट्स लेने हैं, इंटरसेप्ट पॉजिटिव थ्री यूनिट का है, इसका मतलब वो एक्स थ्री यूनिट पे कट कर रहा है. इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? कहां पे कट कर रहा है वो, है ना? तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है? थ्री यूनिट्स का है वाई एक्सिस को. मतलब वाई एक्सिस को वो लाइन कहाँ पे कट कर रही है? थ्री पे कट कर रही है. सो और कैसी है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कुछ इस तरीके से होगी, कहाँ पे कट कर रही है? थ्री पे कट कर रही है.
Okay, so what is equation of this line then? Is line ka equation kya hoga? Y is equal to 3 parallel to x axis. Matlab y is equal to something. Kitne pe cut kar rahi hai? 3 pe cut kar rahi hai. So y is equal to 3. That's it. Understood? हाँ अभी फिलहाल तो इतना ही है बट डायग्राम ड्रॉ करो डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है नहीं नहीं चलो सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब वाई इक्वल टू समथिंग Parallel to y-axis मतलब x equal to something, okay? Next वाला. Parallel to y-axis and making intercept of 4 units on x-axis. Parallel to y-axis and making an intercept of 4 units on x-axis. Parallel to y-axis. मतलब ऐसे होगा. और ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है? 4 units पे कट कर रही है. ठीक है? So मुझे बताओ फिर. Parallel to y-axis मतलब equation किस तरीके से होगा? X equal to something. So x equal to 4. ठीक है? X equal to 4. Over. But diagram draw करो. Diagram draw करने के बाद ही हमें answer लिखना है. समझ में आ रही बात? Yes, इसमें कुछ भी difficult नहीं. Question में दिया रहता है कहाँ पे cut कर रही है. Question में ही दिया रहता है किसको parallel है. कुछ दिया है नेक्स्ट ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 2, -3 and this line it's parallel to y-axis. चलो पहले इस point को plot करते हैं पर point कहाँ पे आएगा कौन बताएगा मुझे 2, -3 point कहाँ पे आएगा fourth quadrant x is positive कौन सा point है वो quadrant 2 x is positive y is negative ना शुरू x is positive y is negative x is 2 y is -3 So, x is 2, y is -3, मतलब ये quadrant आया. सही है? X is 2, y is -3, मतलब ये quadrant आया. अब उन्होंने बोला है कि line इससे pass हो रही है. इस point से, वो जो line है, वो pass हो रही है. And, वो line parallel किसको है? Y-axis को parallel है. So, अगर इस point से, वो लाइन पास हो रही है और पैरेलल है वाई एक्सिस को तो लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी सही है लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस भी है उस पॉइंट से पास भी कर रही है अब मुझे बताओ उसका इक्वेशन कैसे होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू समथिंग ना तो समथिंग क्या होगा फिर वो बोलो एक्स इक्वल टू क्या आएगा कौन बताएगा -2 +2 ये पॉइंट क्या है 2, -3 ना सो इफ आई वांट टू प्लॉट दिस पॉइंट आई विल हैव
minus 3 from this side and 2 from this side. 2 from this side, minus 3 from this side. So, yeah. So, this is point A. तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो है ना, हमें एक्स इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वो टू होगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट है एंड लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, पॉइंट इज टू कॉमा माइनस थ्री and line is parallel to x-axis. Line is what? Parallel to x-axis. अगर ऐसा होता तो अपने equation कैसे बनता देखो. Point यहाँ पे है 2 comma minus 3. Line is passing through A and parallel to x. तो line कुछ इस तरीके से बनता. पैरेलल टू एक्स मतलब वाई इक्वल टू समथिंग, और वाई क्या है अपना यहाँ पे, तो क्या आता है इक्वेशन, वाई इक्वल टू माइनस थ्री। अंडरस्टूड? ड्रॉ बोथ द डायग्राम्स, चलो फटाफट। Over? Yes, everyone. Now, this was first question, third ka. Now tell me about second. Second kya hai? B is 4 comma minus 3 and parallel to x axis. Chalo, plot this point first. पिछला पूरा वीक फिर स्टैट्स और अकाउंट्स, स्टैट्स और अकाउंट्स ऐसे हुआ था क्या? अच्छा, एक ही दिन दो दो नहीं थे, अभी ना, अच्छा दो दो घंटा रहता, 9:15 to 11:15 ओके चलो इसका इक्वेशन फोर कॉमा माइनस थ्री, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, है ना, कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट आया, फिर से 4 कॉमा माइनस थ्री मतलब यहां पे आएगा समवेयर दिस पॉइंट,
and this line is parallel to x-axis. Since line is parallel to x-axis, its equation will be in the form. Since line is parallel to x-axis, its equation will be in the form y is equal to something. So y is equal to kya hoga fir wo? Kya hai y coordinate iska? Minus 3. Okay, when line is parallel to x-axis, equation will be y is equal to. When line is parallel to y-axis, equation will be x is equal to. Here line is parallel to which axis? X-axis. So equation is y is equal to. Lekin y coordinate kya hai uska? Minus 3. So equation kya ho jayega? Y is equal to minus. समझा? Yes, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. एक बार देख लो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें, कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या तीनों क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में. When line is parallel to x axis, y is equal to something. Line is parallel to y axis, x is equal to something. And वो कितना डिस्टेंस है वो कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया रहता है 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, अबव एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ वाई एक्सिस, जो भी है. ठीक है, चलो. सो आगे बढ़ना है फिर. यह सच सब शांत है, हुआ है कि प्रॉब्लम है क्या कुछ आज? इस वजह से शांत है सच में. फिर मेन कैरेक्टर्स आए नहीं क्या अपने? तूने बोल रही है करेगा नहीं, बिल्कुल ही शांत है, एकदम ही शांत है, ऐसा बोल रहे हैं. सब नींद में है. चलो चलो चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. कौन? समृद्धि ना? समृद्धि 7-8 बजे के क्लास के लिए वो 7:45 को उठती होंगी. चलो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स. हमारे पास 5 फॉर्म्स है. कौन से फॉर्म्स थे? कौन से फॉर्म्स थे? स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2-पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म. 5 फॉर्म्स में से कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे? 2-पॉइंट. वाई 2-पॉइंट फॉर्म? बिकॉज 2 पॉइंट्स दिए हुए. चलो लगाओ फिर. 4x - y - गलत बात है शुरू. आंसर लिख कर देता है तो तुरंत. करेंगे वो भी करेंगे. चलो ट्राई टू अप्लाई दिस. 2 पॉइंट और y इक्वल टू mx प्लस dt. कितना है स्लोप? चलो ये तो ढूंढो, बाकी लोग ये तो बताओ पहले.
Done. चलो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, क्या आ रहा है ये? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1. ना ये y इक्वल टू 4 अपॉन 1 x माइनस 2. तो ये so ये y is equal to 4 into x minus 2. So y is equal to 4x minus 8. So how much is this? Minus 4x plus y plus 8 equal to 0. That's it. चलते एक स्टेप में. दो मार्क्स का क्वेश्चन है वैसे भी वो. ज्यादा तो कोई देगा नहीं तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स. दो से ज्यादा तो कोई नहीं देगा मार्क्स. यहां तक आ गए सब लोग? यहां तक आ गए सब लोग? यस. 2 point फॉर्म यूज करते आए सबको? यस. चले आगे एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 5. Y is equal to mx plus c passes through 2,1 and 3,2. दोनों पॉइंट से पास कर रही है बनाई. नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं. देखो ये y is equal to mx plus c जो लाइन है, if it is passing through 2,1, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. एनी डाउट इन दिस? दैट लाइन इज पासिंग थ्रू 2,1, मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है. सो दैट पॉइंट शुड सैटिस्फाई द इक्वेशन. दैट पॉइंट शुड सैटिस्फाई द इक्वेशन. इसका मतलब इफ यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1. कहां से आया x is equal to 2, y is equal to 1? यहां से. Okay? It should satisfy that equation. So x is equal to 2 substitute करो, y is equal to 1 substitute करो, y के जगह पे 1, x के जगह पे 2 plus c. That point is lying on the line. That means x is equal to 2 and y is equal to 1. Okay, it should satisfy that equation. वैसे ही दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास? Which one is next point? 3,2 we have. That means x is equal to 3 and y is equal to 2. So y के जगह पे कौन जाएगा? 2 जाएगा. X के जगह पे कौन जाएगा? 3 जाएगा. Plus आ गया. अब ये दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने चाहिए. चलो ट्राई टू सॉल्व. दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, m मिल जाएगा. सेम ही आता है जो तूने फाइंड आउट. ऑब्वियसली वो सेम ही आएगा. इक्वल टू 3. वन टू माइनस वन. Minus 1. Minus 1. Minus 1. M equal to 1. चलो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. सब्ट्रैक्ट करो दो इक्वेशंस. सेकेंड माइनस फर्स्ट. व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? 3m plus c is equal to 2. व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? 2m plus c is equal to 1. सब्ट्रैक्ट करो ये दोनों चले जाएंगे. 3m minus 2m कितना आ जाएगा?
एम टू माइनस वन कितना आ जाएगा वन, एम कितना आया हमारे पास वन आया, एम इज वन वी नीड टू फाइंड आउट सी, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट एम इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू. ओके सो व्हाट इज इक्वेशन टू, 3m प्लस सी इज इक्वल टू टू, सो m के जगह पे वन रख दो, 3 इंटू वन प्लस सी इज इक्वल टू टू, 3 प्लस सी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, सी इज इक्वल टू माइनस वन, और m कितना आया हमारे पास वन, m इज इक्वल टू वन, c इज इक्वल टू माइनस वन. Got it? Yes. So, कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब उस पॉइंट को तुम उस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अगर कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तुम उस पॉइंट को उस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. वाह 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 वाह. चल चलो बैठो बैठो जल्दी बैठो, कुछ नहीं हुआ. ओके वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन टू यू, ए 3.4, बी 2.0. ये यहां तक हो गया ना सबका, नोटेड डाउन एवरीवन? यस नोट कर लिया सबने? आरव यस, इशिका आराध्य नोट कर लिया? यस श्रुद, पूछना ही गलत है, आंसर लीक करता है. चलो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी एंड सी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3.4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2.0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है माइनस वन कॉमा सिक्स. कहाँ पे? माइनस वन कॉमा सिक्स लिखा तो है, पक्का ना? यहाँ पे उन्होंने माइनस वन लिखा है, सी ना? पता नहीं क्या कर दिया. ओके फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड PC. मैं तो ये डाइजेस्ट से रेफर कर रही क्वेश्चन, मेरे पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है, पता नहीं क्या है. देखो चलो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते, कोई बात नहीं. साइड BC हमें उसका क्या ढूंढना है, इक्वेशन ढूंढना है. तो कहां पे है साइड, दिख रहा है सबको? दिस इज बी 2.0, दिस इज सी 1.6. This is your x1, y1 and this is your x2, y2. मुझे बताओ कैसे ढूंढोगे इक्वेशन? टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ढूंढना है और लाइन के ऊपर के दो पॉइंट दिए हुए हैं. सो वट यू कैन डू, यू कैन यूज टू पॉइंट फॉर्म. चलो लगाओ टू पॉइंट फॉर्म. क्या है अपना इक्वेशन? y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1. चलो ये फोन आ रहे हैं, आ गया क्या तुझे, तेरे पहचान में कोई है क्या? हाँ नाइस ग्रेट. कितना आया स्कोर? नहीं अभी हो भी गया, वो जरूरी है. तुम दोनों सीए कर रहे हो मतलब? अभी दोनों भाई बहन सीए कर रहे हो?
हाँ या दोनों साइंस बैकग्राउंड से है मम्मी पापा दोनों, फिर मम्मी पापा दोनों कॉमर्स है, फिर तो भी चाहिए कि मतलब साइंस दोनों ने सीए किया है क्या? मम्मी पापा दोनों ने क्या किया है? हाँ क्या उनको चाहिए तो बच्चे साइंस पढ़े, बच्चे तो इतने बदमाश है, नहीं हम तो कॉमर्स ही लेंगे बट गुड सीए हो जाएंगे दोनों। बहन तो हो गई अभी इंटर का, तो मेन इंटर का मेन रहता, फाइनल हो जाता है, आर्टिकलशिप हो जाता है बस। चलो बोलो वाई माइनस क्या इक्वेशन y minus y1, y2 minus y1, 6 minus 0, x2 minus x1, 1 minus 2, x minus x1, 6 minus 2. इतना आता है सॉल्व करने के बाद? इतना आया सॉल्व करने के बाद? सॉल्व भी नहीं किया, आजकल कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ कुछ ही नहीं किया होगा। हाँ बोलो y 6 upon minus 1 na? And x minus 2, what is this? Y is equal to minus 6 x minus 2, so y is equal to minus 6x plus 2, shift it, what it will be? 6x plus y minus 12 equal to इक्वेशन चाहिए 6x plus y minus 12 equal to 0। समझ रहा है? टू पॉइंट फॉर्म लगाया हमने, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट किसका इक्वेशन ढूंढना है? मीडियन। कौन बताएगा मीडियन क्या होता है? यू कैन टेल मी व्हाट इज मीडियन। हाँ नहीं परपेंडिकुलर इज दिस टी डी इज मिड पॉइंट लेट्स से, तो डी क्या करेगा इसके दो इक्वल पार्ट्स करेगा और इस मिड पॉइंट को और इस ए को जॉइन करने वाला जो लाइन होता है दैट इज मीडियन। सो दिस एडी इज व्हाट? मीडियन। ओके तो एडी मीडियन है और एडी का इक्वेशन हमें पूछा है, तो उसके लिए पहले ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास है, हमें डी के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? हाँ कैसे किया था फिर? डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे? फॉर्मूला सीखा था याद है? मिड पॉइंट फॉर्मूला सीखा था याद है? सो वो अलग आता है, फिर वो सिचुएशन ही अलग है। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर व्हाट? डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे देखो, टू एंड माइनस वन, इनका एडिशन डिवाइडेड बाय टू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बी का उठाया, बी का एक्स कोऑर्डिनेट उठाया, सी का एक्स कोऑर्डिनेट उठाया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू। उसके बाद बी का वाई कोऑर्डिनेट उठाया, सी का वाई कोऑर्डिनेट उठाया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए फिर हमारे पास? यस टू माइनस वन वन बाय टू, और सिक्स अपॉन टू कितना आया? ये आ गए अपने डी के कोऑर्डिनेट्स। नाउ व्हाट यू हैव, वी नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन फॉर एडी, इसका इक्वेशन ढूंढना है।
So A is what? 3, 4. D is what? 0.5, 3. और हमें एडी का इक्वेशन ढूंढना है. कैसे ढूंढोगे एडी का इक्वेशन ढूंढना है? अरे सो भाई साहब, 2 पॉइंट फॉर्म. लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब कौन सा फॉर्म लगाओगे? 2 पॉइंट फॉर्म. लेकिन हमने पहले ही 2 पॉइंट फॉर्म क्यों नहीं लगाया? बिकॉज हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स, तो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया. मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे. सो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो. चलो सो y-y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x-x1. चलो इक्वेशन बताओ फाइनल. आ गया 5y आया. हाँ सही है, 2x - 5 है. प्लस अच्छा उसको तूने सिंपलीफाई नहीं किया. 2.5 ऐसे क्यों रखा? 5/2 लिखना उसको. नहीं वैसे मत रख, मिक्स फ्रैक्शन में मत रखो आंसर. चलो y-y1 क्या है? 4. y2-y1 3-4. x2-x1 0.5-3. x-x1 -5/2 आया. ओके x-3. सो क्या आया फिर ये y-4? वो माइनस माइनस चला जाएगा, 5/2 का 2/5 हो जाएगा x-3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, यू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू विल गेट? 5 × y-4 इज इक्वल टू 2 × x-3. कितना आया ये? 5y-20 इज इक्वल टू 2x-6. ठीक है, अब क्या करोगे? 2x को शिफ्ट करो, -2x + 5y - 20 + 6 = 0. सो हाउ मच इज दिस? -2x + 5y - 14 = 0. आता है. अच्छा तेरा 5/2 आया होगा ना बीच में, दैट्स ओके. तुम लोगों का इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? -x + 5/2y - 7
इक्वल टू जीरो, दैट्स इट, प्लस साइड। हाँ वो मेरा साइन उस साइड में जीरो है ना, साइन तुम कैसे भी घुमा सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, प्लस टू एक्स माइनस फाइव वाई। हाँ ऑब्वियसली दोनों में से कुछ भी चलेगा, साइन राइट लेफ्ट हैंड साइड का भी चलेगा, राइट हैंड साइड का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड ना? फाइव बाई टू अगर आ सकता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। माइनस क्या? तो फिर कांस्टेंट में कुछ तो झोल हुआ है, चेक करो चेक करो चेक करो, कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है, ट्राई टू। लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी का मिड पॉइंट ढूंढना है, बी सी का मिड पॉइंट ढूंढना है, और उन दोनों में से बीसी का ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया ना, ए इज 3.4, बी इज 2.0, सी इज -1.6। ओके तो बीसी का मिड पॉइंट हम लोगों ने क्या ढूंढ लिया है, 0.5, 3, ये था तुम्हारा बीसी का मिड पॉइंट। हमें क्या चाहिए, एबी का भी मिड पॉइंट चाहिए ना, चलो तो एबी के मिड पॉइंट को हम ई नाम देते हैं, एबी के मिड पॉइंट को हम ई लेबल करते हैं, लेट्स लेबल इट एज ई। चलो सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अगेन ढूंढ लोगे, चलो ट्राई करो। हाँ एक मिनट, अब ठीक है, अब क्वेश्चन में माइनस वन कर दो, फिर ऊपर का पार्ट है रॉन्ग पे, पार्ट है कैसे रॉन्ग, अरे फाइव मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने बी सी ढूंढा है क्या, वैसे हो सकता है। हाँ माइनस 1.6 लेके करते हैं ये जो है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर वन हमने प्लस वन से किया और क्वेश्चन नंबर टू हमने माइनस वन से किया, ऐसा क्यों हुआ पर? अच्छा ओके, मैंने ठीक से पॉइंट्स यहाँ से लिए, हाँ करेक्ट, चलो माइनस वन से ही करो। और तुम लोगों ने मेरे कॉपी किए पॉइंट्स, तूने तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ किसी को भी ले सकते हो, ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट दोनों ढूंढने हैं, और फिर जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन है, कौन सी लाइन मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली है, हाँ ईडी, ईडी बी सी का मिड पॉइंट डी है, ए बी का मिड पॉइंट ई है,
और दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, मतलब दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन हमें ढूंढना है, है ना। तो DE का इक्वेशन हमें ढूंढना है, तो पहले E का ढूंढ लो मिड कोऑर्डिनेट्स। E के कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला, 3 + 2 / 2, 4 + 0 / 2, सो कितना आया फिर E, 5/2, 2, 5/2, 2, ओके। तो फिर E मिल गया, D मिल गया, अब हमें किसका इक्वेशन ढूंढना है, DE का इक्वेशन ढूंढना है। E क्या है, 5/2, 2, और D क्या है, 1/2, 3। This is x1 y1, this is x2 y2. So by 2.4, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1. चलो लगाओ फॉर्मूला, बताओ आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, 3 सब क्वेश्चंस थे। आया इक्वेशन, y minus 2, y2 minus y1 मतलब 3 minus 2, x2 minus x1 मतलब 1/2 - 5/2, एंड x minus 1 is x minus 5/2। नहीं आया, क्या कर रही है आज। ओके, 1/1 - 5 कितना हो जाएगा, -4 - 4/2 बी -2, है ना। सो x - 5/2, ओके। अब ये -2 को शिफ्ट करो, मल्टीप्लाई कर दो y - 2 के साथ, 1 × x - 5/2, ओके। सो -2y + 4 is equal to x - 5/2. So how much is this? -x - 2y + 4 + 5/2 equal to 0. So kitna aaya? -x - 2y. Take LCM. 2 × 4 = 8. 8 + 5 = 13. Ab tumhara kya aaya hai answer? नहीं तो तुम 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सबको, और एल सी कैन की बैच एज इट इज 13/2। सो क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज की हमने यहाँ पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड 2 पॉइंट। इसके अलावा और कुछ यूज किया हमने? नहीं। 2 पॉइंट फॉर्म कब यूज करना है, जब लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट दिए रहे उस टाइम।
समझा क्या? ऑपोजिट लाइन। यस, क्या कर रहा है आरव? हाँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा, अभी और 20 मिनट कर। सर लेट आने वाले हैं, 10 मिनट नहीं, उसके बाद ब्रेक भी एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे तो अभी 9:30 भी नहीं हुए। कौन बोला है? मुझे शेंडे मत लगा। चलो इंटरसेप्ट्स ढूंढने हैं हमें। इंटरसेप्ट्स कैसे ढूंढते हैं? ध्यान दो, तुम अगर x को 0 करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा y इंटरसेप्ट। तुम अगर y को 0 करोगे तुम्हें मिल जाएगा x इंटरसेप्ट। अगर तुम x को 0 करोगे तुम्हें मिल जाएगा y इंटरसेप्ट। तुम अगर y को 0 करोगे तुम्हें मिल जाएगा x इंटरसेप्ट। ओके, सो दिस इज द सिंपल लॉजिक फॉर फाइंडिंग आउट इंटरसेप्ट्स। नाउ x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 0 करके हमें क्या मिलने वाला है? y इंटरसेप्ट मिलने वाला है। सो लेट्स मेक x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, क्या आ गया? 0/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। सो यहां से व्हाट यू विल गेट, 0/3 इज 0 ओनली, 0 प्लस y/2 इक्वल टू 1। सो y कितना मिला तुम्हें फिर? y इक्वल टू 2 मिल गया। सो y इंटरसेप्ट कितना मिला हमें? y इंटरसेप्ट कितना मिला? अरे 0 पर 0 रहता है। अरे क्यों ये 0 ही है सब का आंसर? क्या हो गया उसको? 0 को दे दिया और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आता है फिर भी, आता है आंसर 6/3 आता है उससे। 6/3 आता है उससे। 4/3 क्यों पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के क्यों है? कितना रिस्पेक्ट दिया है उसको। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो गया। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसे ढूंढोगे? वो मिल गया, सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट कैसे ढूंढोगे? y को 0 करो, y को 0 किया क्या मिला फिर हमें? x/3 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो क्या मिला हमें? x इज इक्वल टू, सो x इंटरसेप्ट क्या मिल गया? अब एक छोटी सी चीज थोड़ा ध्यान दो, अभी शॉर्टकट देखो कैसा है अपने पास। अगर तुम्हें याद है हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखा है, व्हाट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 ना। तो इफ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, you compare these two equations, on comparing what you will get, a is equal to how much? 3. B is equal to how much? 2. A kya hota hai tumhara? X intercept. B kya hota hai? Y intercept. So x intercept is A, which is 3, and y intercept B, which is 2. So, baki sab karne ki zarurat hi nahi hai.
can directly get this. समझा क्या? Yes. Shortcut है ये. हाँ, definitely चलता नहीं, दौड़ता है. चलो not done. क्या हुआ? हाँ, second इसमें shortcut ही लगाएंगे ना. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते वक्त मेक श्योर तुम्हारे राइट हैंड साइड में क्या है, वन है ना. तुम्हारे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में कौन क्या दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है. सो तुम्हें तुम्हारे राइट हैंड साइड में अगर वन है तो ही तुम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हो. नहीं रहा तो क्या करने का बताती हूँ. हो गया यहां तक? यस एवरीवन. ए रुको, अभी तक मेरा लेक्चर का टाइम भी खत्म नहीं हुआ. सेकेंड, अब तो जितनी बार ब्रेक बोलोगे उतने मिनट एक्सटेंड होंगे. थ्री एक्स बाय टू प्लस टू वाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन. अब हमें कैसा फॉर्मेट चाहिए? Yes, what we want x upon a plus y upon b is equal to 1. इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए. लेकिन यहाँ पे x के सामने कौन है? तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, x upon 2 by 3. तो कैसे लगा सकते फिर तू फॉर्म? यहाँ पे x के सामने कुछ है क्या? अरे अंधे हो गए सब. यहाँ पे x अपॉन a है ना, यहाँ पे x के साथ 3 है, हमें वो 3 नहीं चाहिए, x अकेला चाहिए ऊपर. तो वो डिवीजन में जाता है ना सीधा, क्या हो जाएगा 2 बाई 3 हो जाएगा ना. वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना फ्रैक्शन डिवीजन के टाइम पे. फिफ्थ स्टैंडर्ड यार, फिफ्थ स्टैंडर्ड. प्लस y अपॉन वो 2 भी नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा equal to 1. So compare with, so if you compare 2 by 3 will be a and 3 by 2 will be b, hai na. 2 by 3 will be a and 3 by 2 will be b. So a is 2 by 3, b is, so a kya hai apna x intercept aur b kya hai apna y intercept. So x intercept would be 2 by 3 and y intercept would be 2 by 3. क्या कर रही है तू? मल्टीप्लाई किया 2 को. क्या कर रहे हो जिंदगी में? वैसे लग रहा है तुम लोग स्कूल किया ही नहीं है. सीधा आ गए, कुछ स्ट्रेन वेन नहीं है, नॉट इन के सब. समृद्धि का अभी अभी खुल गया मुंह, अब भी बोल रही हो. डन. नेक्स्ट नहीं छोड़ रही हूँ मैं, कितना भी रो कितना भी कुछ भी करो. -6 2x - 3y + 12 = 0. -12 को शिफ्ट करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2x - 3y = - हाँ मतलब +12 को शिफ्ट करो, -12 हो जाएगा. जब हमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लगाना होता है तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए अपन को? 1. सो यहाँ पे -12 चाहिए, -12 की जगह पे 1 चाहिए. सो क्या करना पड़ेगा? 2x - 12 3y - 12 - 12 - 12. अब 1 आ जाएगा ना, अब 1 आ जाएगा. सो क्या आया फिर हमारे पास? -6. ये -, प्लस हो गया. y अपॉन 4
एंड दिस इज व्हाट वन. सो कंपेयर करने के बाद ए कितना मिल जाएगा हमें माइनस सिक्स और बी कितना मिल जाएगा हमें फोर. सो ये मिल गया हमें एक्स इंटरसेप्ट और ये मिल गया हमें वाई इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट मिल गया माइनस सिक्स, वाई इंटरसेप्ट मिल गया फोर. क्वेश्चन नंबर एट. फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस कंटेनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. Line is passing through. Yeah. Line is passing through. Yeah. 3, 4. And making equal intercepts. Making what? Equal इंटरसेप्ट्स. तो अपना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन. हाँ, इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब ए और बी क्या हो गए दोनों इक्वल. लाइन इज पासिंग थ्रू 3, 4. जब लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो हम एक्स के जगह पे 3 रख सकते हैं, वाई के जगह पे 4 रख सकते हैं, है ना. तो x की जगह पे 3 लिख देंगे और y के जगह पे 4 लिख देंगे. ऑल्सो वी नो इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a इज इक्वल टू b. तो क्या मिल गया फिर इक्वेशन हमें? 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन a. B के जगह पे हमने क्या रख दिया? A रख दिया. ओके, सो 3 + 4 हाउ मच? 7. 7 अपॉन A इज इक्वल टू 1. सो A का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 7. A का वैल्यू 7 है, इसका मतलब B का भी वैल्यू कितना हो गया? A का वैल्यू कितना? 7. सो B का वैल्यू कितना हो गया? 7. और हमें क्या ढूंढना है? फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस कंटेनिंग इतना क्यों मगजमारी किया है इन्होंने? मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन, हाँ सही है अपना. तो ए मिल गया, बी मिल गया, तो इक्वेशन कैसे बना फिर अपना? देयरफॉर इक्वेशन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन ना. और ए और बी कितने हमारे पास? 7. सो एक्स अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1. सो क्या हो गया? एक्स प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू 1. सही है. सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7. So x plus y minus 7 equal to 0. समझ में बात? फाइनल आंसर मिल गया. नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाता है. तो वो इजी है, इतना भी कुछ नहीं है. अरे वो इजी है, इतना कुछ नहीं है. सच में बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है. इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, 5 मिनट जल्दी छोड़ा.
अच्छा आधा घंटा लेट छोड़ा।